फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा। चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वीडियो। तो ये देखिए गाइस, आज की हमारी वीडियो में है भिंडी, क्योंकि पिछली बार हमने भिंडी की रेसिपी आपको दी थी तो आप लोगों को काफी पसंद आई। तो हमने सोचा क्यों ना एक नए तरीके से हम भिंडी की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर के आए। तो देखिए इस तरह की भिंडी बनाने के लिए इस तरह से हमने कट कर लिया है, यानी एक भिंडी में चार पीसेस कर लिए हैं, बाद में हाफ कर दिया अगर बड़ी भिंडी है तो। तो देखिए इस तरह से आप भिंडी तोड़ कर देख रहे हैं, इस तरह से सॉफ्ट भिंडी ही आपको लेनी है इस रेसिपी के लिए। तो इसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो सारी भिंडियां हमने पहले से ही कट करके रखी है क्योंकि आपका समय ना खराब हो इसलिए। तो चलिए इन भिंडियों को रखते हैं साइड में। इस तरह से बड़ा बर्तन ले लेते हैं भिंडियों के लिए। और अब इसमें हम देखें क्या क्या इंग्रीडियंट ऐड करने वाले हैं, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैंने डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक जो कि एक स्पून है, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, चाट मसाला, ठीक है। इनकी क्वांटिटी हमने नहीं बताई है, क्यों, क्योंकि आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। ये डाल दिया गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, तो जैसा आप तीखा खाएं उस हिसाब से आप डाल सकती हैं। तो देखिए एक स्पून हमने, दो स्पून डाल दिया है अपना बेसन, तो पहला डाला था, दूसरा डाल दिया है बेसन। बेसन से क्या होता है, बहुत अच्छी यम्मी टेस्टी सब्जी बनकर के तैयार होती है। तो देखिए इस तरह से क्या करेंगे, हमें मिक्स कर लेना है अपने भिंडी और मसाले और बेसन को, साथ में ही सारा मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से, तो देखिए हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं क्योंकि स्पून से हमारा बन नहीं जाता, भिंडी हमारी अच्छे से कोट नहीं हो रही थी। तो देखिए हल्की हल्की सी भिंडी हमारी कोट हो चुकी है, मगर अभी नीचे बहुत सारा बेसन और मसाला पड़ा हुआ है जो कि नहीं अभी कोट हुआ है। तो उसको क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक प्लेट, उसे ढक करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। जब तक हम दूसरी तैयारियां करते हैं तब तक ये अच्छे से कोट हो जाएंगी हमारी, बहुत अच्छे से कोट होकर के आ जाएगी। तो ये देखिए हम एक ले लेंगे प्याज मीडियम साइज का। तो इसे क्या करना है ना, प्याज ले लेंगे और इसको हम कट करेंगे क्यूब्स में। तो ये देख सकती हैं इस तरह से हम कट करेंगे, तो जैसे पेटल्स हम कट करते हैं उसी तरह से हम कट करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो देखिए पहले हमने एक पेटल्स बड़ा था प्याज हमारा, तो उसमें हमने कर दिया है अपना आसानी से पीसेस, तीन पहले किए, उसके बाद में हमने करने हैं बीच से हाफ। ये देखिए इस तरह से, अब इनके ये पेटल्स हम अलग अलग निकाल लेंगे क्योंकि हमें अलग अलग यूज करने होंगे इस तरह से। तो ये देख सकते हैं इस तरह से सारे के सारे अलग कर लेंगे। एक बात और गाइस आपको हम बता दें, अगर हमारी अगर रेसिपी ये पसंद आ रही हो आपको तो प्लीज लाइक करिएगा आगे। तो चलिए देखिए भिंडी भी हमारी अच्छे से कोट हो चुकी है और मॉइस्चर भी आ चुका है हमारी भिंडियों में। तो एक बार हाथ से फिर से मिक्स कर देंगे इस तरह से, ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो चलिए अब चलते हैं गैस के पास, इसको हम ढक कर रख देते हैं। देखिए इन भिंडियों में थोड़ा सा ऑयल ज्यादा लगेगा, तो ये हमने डाल दिया है लगभग 4 बड़े स्पून हमने ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल मस्टर्ड है क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई सब्जियां बहुत टेस्टी बहुत यम्मी होती हैं। तो इस तरह से देखिए इसको अच्छे से पका लेंगे क्योंकि मस्टर्ड ऑयल को पकाना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से देखिए धुआं निकलने लगा है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसमें डालेंगे जीरा 1/2 टेबल स्पून, ये देखिए। अब इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ प्याज जो पेटल्स में बना के रखा था, उसको फ्राई कर लेंगे। एक बात और गाइस आगे हमने बताना भूल गए कि हमने लगभग भिंडियां ली हुई हैं 250 ग्राम, भिंडियों की क्वांटिटी हमने नहीं बताई थी जो कि हम अब बता रहे हैं। और अब इसमें डाल देंगे हींग, ठीक है, 2 से 3 पिंच हींग डाल देंगे इसमें, ये देखिए। अब इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से और चलाते हुए फ्राई करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे चलाते हुए अच्छे से। बहुत टेस्टी भिंडी ये बन करके तैयार होती है। और ये देखिए अब इसमें क्या करना है हमको, फ्राई हल्का हल्का सा कोट हो जाएगा, इसका हम थोड़ा सा निकाल कर रख लेंगे क्योंकि ये हमें आगे गार्निशिंग के लिए चाहिए प्याज, तो हमें इस तरह से निकाल कर रख लेंगे थोड़े से पेटल्स। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारे प्याज हो चुके हैं तो इसमें डाल देंगे भिंडी। देखिए अभी आपको हल्का हल्का प्याज लग रहा होगा मगर ये हल्का नहीं है, भिंडियों के साथ और भी फ्राई हो जाएगा प्याज ये। तो इस तरह से हम भिंडियों को डाल देंगे, लेकिन ये ध्यान रहे इस समय पर भिंडी की फ्लेम हल्की धीमी है, गैस की फ्लेम हल्की है यानी धीमी है, धीमी फ्लेम पर ये काम करना है। और सारा अब मिक्स करेंगे इस तरह से। देखिए बेसन होने की वजह से हमको थोड़ी सी ऑयल की मात्रा इसमें ज़्यादा लगती है, क्यों, क्योंकि बेसन जो होता है वो पैन में चिपकने लगता है और ऑयल को सोख भी करता है। तो अब हमें इसमें कुछ डालना नहीं है, बस इसी तरह से हमको चलाते हुए अच्छे से फ्राई करना है और ढक कर पका लेना। देखिए 2 मिनट हमने इसी तरह से फ्राई किया था खुला, और 2 मिनट के बाद हमने इसको ढक दिया। ढकने के बाद अब इसे हमने ढका इसलिए क्योंकि हमें इसे भिंडियों को अच्छे से कुक करना है, पकाना है यानी।
तो ये देखिए इस तरह से चलाते हुए हम पका लेंगे। भिंडियों को बहुत आसानी से बन जाती हैं, बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। तो ये देख सकते हैं एक बार हमारे कहने पर इस तरह की भिंडियाँ बनाकर देखिए आप, गारंटी हमारी है कि आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा तारीफ होने वाली है। तो देखिए कस्तूरी मेथी ले ली है थोड़ी सी, फिर हमने क्रश करके डाल दिया है। भिंडियाँ हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, मगर कस्तूरी मेथी डालकर थोड़ा सा स्टर कर देंगे और फ्राई कर लेंगे, थोड़ी सी और फ्राई करेंगे, जिससे कि कस्तूरी जो मेथी डाली हुई है उसका फ्लेवर हमारी भिंडियों में आ जाए। तो ये देखिए कस्तूरी मेथी डालने के बाद इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए, फिर निकाल कर देखेंगे इसको और सर्व करेंगे। ये देखिए हमने खोल कर देख लिया, भिंडियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं और अब हम सर्व करते हैं। देखिए एक बात और, सर्व करते करते हम आप लोगों से फिर याद दिला दें कि अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ये रोटी चपाती किसी के साथ भी बहुत 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 पसंद आती है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने डेकोरेट कर दिया है प्याज से। तो आई होप आपको ये रेसिपी हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो।